बड़ी खबर आपको ये बता दें कि मंडी में जहरीली शराब से मौत का मामले में तीन और आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पालमपुर बैजनाथ और सुंदरनगर के मलहू क्षेत्र से ये गिरफ्तारी हुई। आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। इससे पहले चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। कुल मिलाकर सात गिरफ्तारी मामले में हो चुकी है, तो सात लोगों की जान गई थी। इस मामले में सात लोग अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं। तीनों आरोपी इस मामले के सरगना बताए जा रहे हैं। पुख्ता सूत्रों के हवाले से खबर, 12 लोगों का अभी भी उपचार जारी है। एसआईटी में चार और पुलिस अधिकारियों को जांच की जिम्मेदारी दी गई है। पूरे मामले की पुलिस के 9 अधिकारी जांच करेंगे। तो जहरीली शराब पीकर मौत का ही मामला, सात लोगों की जान गई थी, 12 लोगों का अभी उपचार जारी है। जाहिर है आंकड़ा बड़ा हो सकता है, तीन गिरफ्तारी और हुई है। नितेश सैनी हमारे संवाददाता फोन लाइन पर है। नितेश, तीन लोगों की गिरफ्तारी हुई है मामले में, क्या कुछ जानकारी? जी ज्योति, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये सुंदरनगर के सलापड़ कांगू क्षेत्र का अवैध शराब का जो मामला है, इसमें अभी तक सात लोगों की इसमें मौत हो चुकी है। वही 12 लोग हैं उपचाराधीन अस्पताल में है। वही पहले पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इसमें चार लोगों को गिरफ्तार किया था, उन्हें 7 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा है। वहीं एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को हम बताने जा रहे हैं, इसमें अब तीन और लोगों को इसमें पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बैजनाथ, पालमपुर और यहां पे सुंदरनगर के गिरफ्तारी यहां पे की गई है। तीन लोगों को यहां पे तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार किया गया है और ये शराब माफिया के ये बड़े कारोबारी यहां पे बताए जा रहे हैं, सरगना बताए जा रहे हैं। जी नितेश, मानकर चलें कि इस मामले में और गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं, क्योंकि इससे पहले भी चार लोगों को गिरफ्तार किया गया था। हाँ बिल्कुल, कह रहे हैं कि पिछले कल देर रात ही शिमला में पत्रकारों से बातचीत करते हुए डीएजी संजीव कुंडू ने यहाँ पे स्पष्ट किया था कि आज प्रदेश में इस कारोबार को लेकर बड़े कार्रवाइयां हो सकती हैं और जो पड़ोसी राज्य हैं हरियाणा, दिल्ली और पंजाब, वहां पे भी कार्रवाई जारी है। वहीं दोपहर के समय तक इसमें एक हिमाचल प्रदेश में अवैध शराब का जो कारोबार पिछले लंबे समय से चल रहा है, उसको लेकर एक बड़ी कार्रवाई हो सकती है। कई और भी गिरफ्तारियां इसमें हो सकती है। एसआईटी का दायरा बढ़ाया गया है और अधिकारी इसमें शामिल किए गए हैं। नितेश बिल्कुल सही कह रहे हैं यहाँ पर, पहले पुलिस ने चार अधिकारियों को इसमें एसआईटी में का गठन किया था, उसमें चार अधिकारियों को लिया था, फिर उसमें एक पांचवें अधिकारी को भी शामिल किया गया। उसके बाद पिछले कल देर शाम एक पुलिस की प्राप्त जानकारी के अनुसार चार और अधिकारियों को इसमें शामिल किया, लगभग 9 अधिकारी इसमें एसआईटी में गठित किए गए हैं और पूरी मामले की वो जांच कर रहे हैं। अब देखना होगा जो अवैध शराब का कारोबार पिछले लंबे समय से हिमाचल प्रदेश में चल रहा है, उसको लेकर अब पुलिस कितनी और गिरफ्तारियां करती हैं, लेकिन जो भी हो एक बड़ी कार्रवाई पुलिस की ओर से की जा रही है। जांच के साथ साथ सियासत भी जारी है, नेता विपक्ष ने सरकार को घेरा है, तो सीएम की ओर से जवाब भी दिया गया। नीतीश बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री द्वारा लगातार सरकार पे आरोप लगाए जा रहे हैं कि सरकार के संरक्षण में ही ये पूरे कार्य हो रहा है। और मुकेश अग्निहोत्री का ये भी कहना था कि इसे लंबे समय से हमारे द्वारा मांग की जा रही थी सरकार से कि इन सरगनाओं पर लगाम लगाई जाए, लेकिन सरकार द्वारा कोई भी लगाम नहीं लगाई गई, उसकी वजह से आज 7 लोगों की इसमें मौत हुई है। वही अब उधर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की ओर से भी स्पष्ट किया गया है कि एसआईटी का गठन किया गया है, पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, अब जो भी इसमें दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई इसमें की जाएगी। बहुत शुक्रिया नितेश, पूरी जानकारी आपने दी। तो अब सियासत भी गरमा गई है इस मामले को लेकर। विपक्षी पूछता है कि किसका संरक्षण मिला है तस्करों को। अब जांच का दावा भी है, एसआईटी का भी दायरा बढ़ाया गया है, अधिकारियों की संख्या बढ़ाई गई है। कुल मिलाकर 7 गिरफ्तारी हो चुकी है, 7 लोगों की जान गई है, 12 लोगों का उपचार अभी जारी है।